कि जा रही है आज ऑडिटोरियम, उसका दो दिन बाद स्कूल में फंक्शन है, एनुअल डे है, तो उसने डांस में पार्टिसिपेट किया है, तो उसकी जो आज डांस की रिहर्सल है ऑडिटोरियम में होने वाली है उसी वेन्यू पे जहाँ पे उनका फंक्शन है, तो थोड़ा बच्चे यूज्ड हो जाएंगे और वो आज ड्रेस में रिहर्सल करने वाले हैं, तो इसलिए आज हम उसको स्कूल ना छोड़ते हुए ऑडिटोरियम छोड़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं ऑडिटोरियम, साथ में मुझे भी आना पड़ा क्योंकि थोड़ा दूर था घर से, तो उसको पीछे लेके बैठना था, वो छोटी है अभी, अकेले ऐसे बिठाती नहीं है, तो मैं साथ में आई हूँ उसको छोड़ने। अदरवाइज़ स्कूल तो पास में ही है, इसके डैडी ले आते हैं उसको आगे खड़ा करके स्कूटर पे, पर अभी ऑडिटोरियम थोड़ा दूर था तो मैं भी आई हूँ और मैं इसको स्कूटर से उतार के अंदर जा रही हूँ, और अंदर बाकी बच्चे पहुँच चुके हैं, टीचर्स भी आ गए हैं, तो अभी हम लेट तो नहीं हुए हैं, अभी और भी हमारे बाद भी दो तीन बच्चे आई थी। मैं अंदर का ज़्यादा व्यू नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि अंदर अच्छा नहीं लग रहा था, इसे मैं कैमरा घुमाऊँ, तो उसको हमने छोड़ा यहाँ पर और दो चार मिनट हम रुके देख रहे थे कहीं वो रो तो नहीं रही कि अननोन प्लेस पे आ गई, तो मम्मी पापा कहाँ चले गए, फिर हम वापस आ गए। वापस आके घर आकर घर में कोई सब्ज़ी नहीं थी तो हस्बैंड ने मंगवाया था ब्लिंकिट से कुछ सब्जियाँ, ये सीताफल आया, इतना ख़राब सीताफल दिया कि सारा डस्ट गंदगी कचरा लगा हुआ था, और थोड़ी सी मटर मंगवाई है उन्होंने, मटर अच्छी थी, फ्रेश थी। आज हस्बैंड का WFH है, घर से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने आज फरमाइश करी थी कि निमोना खाने का मन है, तो हमने बोला ठीक है चलो निमोना बना देते हैं, आपका मन है तो। और निमोना बनाने के लिए मटर की क्वान्टिटी चाहिए होती है थोड़ी ज़्यादा, यहाँ मैंने 400 ग्राम के आसपास मटर लिया था, छील छालने के बाद वो करीब एक कटोरी हो गया था, वेट में तो नहीं बता पाऊँगी छीलने के बाद दानों का क्या वेट था, छिलके समेत थी 400 ग्राम और छीलने के बाद एक कटोरी के करीब मैंने मटर लिया था। यहाँ मटर को अच्छे से पहले मैंने बॉईल कर लिया, एक्चुअली अच्छे से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोगों का अपना अपना तरीका होता है, कोई लोग उसको फ्राई करते हैं, कोई लोग कच्चा ही पीस लेते हैं, या कोई लोग बॉईल कर लेते हैं, तो मैंने उसको थोड़ा बॉईल करना था, पर देख रहे हो अब मेरा ज़्यादा बॉईल हो गया, राशू आ चुकी थी घर स्कूल से और उसको मैं खाना खिलाने लग गई थी, तो खाना खिलाते खिलाते थोड़ा सा ज़्यादा कुक हो गया, पर ठीक है कोई नहीं, हल्का सा एक्चुअली कम कुक क्यों करते हैं, कम कुक इसलिए करते हैं ताकि उसका कलर एज इट इज़ बना रहे ग्रीनिश, और जितना ग्रीनिश कलर बना रहेगा उसकी ग्रेवी और कलर अच्छा आएगा, दिखने में सुंदर लगेगा। तो यहाँ मटर को पीसने के बाद मैं इसकी तैयारी कर रही थी छौंक मारने की, तो उसमें मैंने तेजपत्ता, हींग, जीरा और लहसुन लिया है, प्याज मैं नहीं डाल रही हूँ। प्याज मैं क्यों नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मटर में अपना खुद एक मीठेपन का टेस्ट होता है और प्याज में भी हल्का मीठापन आता है, ठीक है, फ्राई व्राई करने के बाद सब्जी में हल्का मिठास जैसा देता है, तो इसलिए मैं यहाँ प्याज नहीं डालते हुए लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, हींग, तेजपत्ता और टमाटर डालूंगी। यहाँ मैंने टमाटर के अंदर ही दो हरी मिर्ची काट रखी थी, तो टमाटर का जब लहसुन आपका एकदम लाल हो जाए, लहसुन मतलब ऐसा हो जाना चाहिए एकदम ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश, तभी आपको उसमें टमाटर जोड़ना है, और टमाटर फ्राई होने के बाद मैंने इसमें अपने रेगुलर मसाले डाल दिए थे, वही हल्दी, धनिया, मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी नहीं डाला, सॉरी हल्दी नहीं डाला क्योंकि उसका फिर कलर चेंज हो जाएगा, खाली मैंने मिर्ची और धनिया और गर्म मसाला डाला था। उसके बाद मैंने इसमें जो पेस्ट बना रखा था मटर का वो डाल दिया है, और इसको अच्छे से मसाले में पहले मिक्स कर लेंगे, फिर अपनी ज़रूरत के अनुसार आपको कितना उसमें थिकनेस रखनी है, कैसा रखना है कंसिस्टेंसी, उसके हिसाब से डाल देंगे। यहाँ मैंने पनीर इसमें ऐड करूँगी आज निमोना में, तो मैंने पनीर डाल लिया। सभी लोग अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ अलग चीज़ें डालते हैं, कोई मटर के पेस्ट के अंदर मटर के दाने डाल लेता है, कोई आलू, कोई बड़ी, कोई सोयाबीन डालता है, तो ये आज मैं बना रही हूँ पनीर का, सिर्फ इसमें आज मटर के साथ पनीर की कॉम्बिनेशन रहेगा। मटर पनीर का वैसे तो हम खाते रहते हैं, आज अलग तरीके का मटर पनीर खा रहे हैं निमोना स्टाइल में। तो यहाँ पे फ्राई करने के बाद इसको मैंने ऐड कर लिया है ग्रेवी में, और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको अगर राइस से खाना है उस हिसाब से या रोटी से खाना है, तो यहाँ मैंने ना ज़्यादा बहुत थिक करा है ना ही पतला है, तो ठीक है, और हमें ये खाना है रोटी से, तो इसको पका लीजिए। पनीर ऐड करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए पका लीजिए,
और पकने के बाद आप इसमें डाल सकते हैं धनिया। धनिया मेरे पास था नहीं तो मैंने डाल दी थी कसूरी मेथी। यहाँ राशु देखो स्कूल से आ गए, उसने खाना खाया तो मैंने प्रॉमिस किया था बेटा आपको मैं ना कोक दूंगी, उसको कोक बहुत पसंद है तो मैंने उसको प्रॉमिस किया था बेटा कोक दूंगी, इसलिए मैंने उसको कोक दिया पीने के लिए पेप्सी। तो यहाँ हमारी प्लेट लग के तैयार है, रायता बनाया है, सिंपल रोटी बनाई थी और सब्जी सैलेड। और इधर हम शाम की भी तैयारी करने लगे। यार हम औरतों का जीवन ना मतलब रसोई में ही जाता है, सुबह का खा के निपटते नहीं है शाम को क्या बनेगा, शाम का खा के निपटते नहीं है कि सुबह की टेंशन कि लंच में क्या रखना है बच्चों को या ऑफिस के लिए हस्बैंड को क्या रखना है। तो अभी वही कि शाम का भी निपटे नहीं लग, सॉरी दोपहर का खाना खा के हम फिनिश नहीं हुए कि लग रहा था कि शाम को क्या बनेगा। तो शाम को लाइट से बनाने का मन था तो दलिया बना लिया। यहाँ मैं दलिये में एक मुट्ठी मैंने चने की दाल ली, उसको सोख कर लिया था 2 घंटे पहले। एक आलू लिया है छोटा छोटा चॉप किया आलू को, एक टमाटर लिया है और एक बड़ा प्याज लिया है, उसको लंबे स्लाइस करके काटा है मैंने जिस तरीके से चावल में डालते हैं। और मैं दलिया बनाती हूँ हमेशा देसी घी में, 2 बड़े चम्मच, ये जो मेरे हाथ में चमचा देख रहे हैं ना इसके 2 बड़े चमचे मैंने ये घी लिया हुआ है और उसमें हींग जीरा प्याज और आलू, आलू मैंने बहुत बारीक बारीक छोटा सा ही काटा है। आपको अगर बड़े खाने का मन है तो आप बड़े भी मतलब बड़े काट सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड को छोटे आलू कटे पसंद है तो मैंने छोटे लिए हैं। और मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है मटर, साथ ही और जितनी सब्जियाँ हों, गाजर है, कैप्सिकम है और जितनी भी मतलब सब्जी आप ऐड कर सकते हो, बीन्स वगैरह तो आप ऐड कर दीजिए, पनीर ऐड कर सकते हो। तो मेरा सुबह सारा पनीर यूज़ कर लिया था, पनीर था नहीं, कुछ भी ऐड कर सकते हो उस हेल्दी बनेगा। तो यहाँ मैंने सभी सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है, फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर दी है दाल और साथ ही अभी दलिया ऐड कर दूंगी। और थोड़ा सा मैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखती हूँ ना, कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी होती है जैसे खिचड़ी, एकदम ड्राई नहीं होती चावल की जैसी, थोड़ी लिक्विड में होती है, थोड़ी लिक्विड में। और मसालों में यहाँ खाली कुछ नहीं डालूंगी, मिर्ची एंड धनिया ओनली, बस दलिया में और कुछ नहीं जाएगा, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची, वो भी मैंने बहुत कम कम लिया, 1/4 1/4, क्योंकि मेरी राशु भी खाने वाली है। और सिंपल अपना नमक डालेंगे, ज़रूरत के अनुसार आप पानी रख लीजिए, मेरा इसका कोई मेज़रमेंट नहीं है कि पानी कितना रखना है। मैं काम करते करते इतना अनुभव आ गया कि मैं बस मेज़रमेंट के बिना अपने अंदाजे से काम करती हूँ। तो यहाँ मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया है पानी डाल करके, और इधर कटोरी में बॉईल हो रहा है आंवला। मैंने आपको पहले ही बताया था मैं आंवला खाती हूँ, इसको हल्का सा बॉईल करना है। कटोरी देख रहे हो कितनी काली हो रही है, और ये कटोरी ना उसकी है राशु के जो मसाज करती हूँ ना उसकी ऑयल की कटोरी है, ऑयल गर्म करने की। इसको हम खाने में नहीं बस गैस पे यूज़ करते हैं इस तरीके से, पतीली के तौर पे छोटी सी। और यहाँ दूध भी बॉयल करने रख दिया है। और आंवला खाया करिए, विटामिन सी होता है बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, बीमारी हल्का ही बॉयल करना है, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, क्वालिटी चली जाएगी, इसकी गुणवत्ता चली जाएगी। तैयार है दलिया, बन के तैयार है, ये दलिया है और रोटी और सुबह का निमोना थोड़ा सा जो बचा हुआ था। अब मेरे हस्बैंड की प्लेट लग गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।